For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, जोर से वेरी गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं आपसे, पहले मैं कुछ दो चार बातें बता दूं आपको बेटा, और उसके बाद फिर हम क्लास को आगे लेके चलेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ भी आपको मुझसे पूछना होगा या जो भी बातें करनी होंगी एक्सेप्ट फी, ठीक, वो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो सुनिएगा ध्यान से बेटे, आपका जो सब्जेक्ट है बहुत प्यारा सा बेटा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसके साथ बेटे एफएमबी है, पता होगा आपको, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखना नहीं है बेटे इसको, ठीक है ना। इसका ये पोर्शन बेटे 60 मार्क्स का है, ये बात आपको पता होगी, और ये पोर्शन बेटा आपका 40 मार्क्स का है, ठीक। अच्छा, सारी बात एक तरफ, इस पेपर की बात बेटे एक तरफ, वो इस वजह से क्योंकि ये एक ओनली ऐसा पेपर है जो पूरा का पूरा क्या है बेटा, कंप्लीटली, कुछ आइडिया आपको इसके बारे में? हाँ, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव बेटे, जय माता दी मोड इसमें नहीं है बेटा, ठीक है। सारा का सारा कैसा है बच्चे आपका, ये सब्जेक्टिव पूरा का पूरा बेटा, कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। ओके 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 बेटे, पास भी करो, आप लेट आए हो ना। अच्छा, कंप्लीटली सब्जेक्टिव बच्चे, फाइन, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, राइट। अच्छा, मजे की बात ये बेटे, क्योंकि आप सब सीएस कर रहे हैं तो आप पाएंगे बेटे कि आपका सारा का सारा काम रिलेटेड होगा किससे बेटा, कंपनी से। तो आपके इंस्टीट्यूट ने यानी कि आईसीएसआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कॉर्पोरेट अकाउंट का, किसी भी टॉपिक को छोड़ने की, मतलब सारे के सारे टॉपिक कवर हैं जो हम सीएमए पढ़ते हैं या सीएमए में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक कवर हैं इस 60 मार्क्स वाले पोर्शन में, राइट। और ये 60 मार्क्स वाला पोर्शन जो है बेटा, ये मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो रहेंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 1 PM टू 2:40, ज्यादा नहीं पकाऊंगा, सॉरी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना जी। 1 PM टू 2:45 PM हम पढ़ा करेंगे बेटे, और ऑल्टरनेट डेज में पढ़ेंगे, और बाकी हमारे सर्वे सर्वा पंकज सर कुछ आदेश देंगे तो हमें क्लास एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ेगी बेटे, क्लियर है बात जी। मैं उनके पुत्र समान हूं, ठीक, तो पुत्र, यू नो पुत्र, हाँ बेटे समान हूं मैं उनके, तो मुझे वो क्लास भी लेनी पड़ेगी, पंकज सर कुछ कहते हैं तो, राइट। अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को, सभी टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करने का ना कोई पर्पस रहता नहीं है, रीजन बिंग जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वो हम कवर करते रहेंगे। कई टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपने ना बचपन में पढ़े हुए हैं, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, सुना होगा नाम आपने बेटा, चीर फाड़ के रख देता आपने फोर फीचर को, री इश्यू को, याद है आपको, कैपिटल निकालते निकालते आपके बाल सफेद हो गए, ठीक। इसके अलावा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये कई बातें ऐसी हैं जो आपने ना 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हैं, फाइन, पहले से पढ़ी हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आज उन टॉपिक्स को हम डिस्कस ना करें जो आपने पहले 12th से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप सब मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम कुछ टॉपिक भी ऐसा पढ़ें जो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा हो, राइट। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितने ऐसे जो कर चुके हैं, कर चुके ग्रेजुएशन, गुड बेटा। तो आपने टॉपिक पढ़ा होगा, नाम सुना होगा बेटे, बोनस इशू, सुने नाम, बोनस इशू, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट उसके ऊपर चर्चा करने से पहले आपके मन में कोई भी प्रश्न और कुछ हो तो प्लीज मुझसे पूछिए बेटे, स्टार्ट करने से पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आपको मेरी बात ही सुननी पड़ेगी जी बेटा, प्लीज। आपका नाम रिया, बोलिए, आपको अकाउंट्स बहुत मुश्किल लगती है, शायद तभी मैं यहां हूं, इसलिए शायद भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा कि आज के बाद आपको अकाउंट्स मुश्किल नहीं लगेगी बेटा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिए। आपको क्लास के बाद मुझसे मिलके जाइए, अगर आपको मुश्किल लगेगी तो मैं दोबारा आऊंगा नहीं यहां पे, राइट। हाँ, और बताइए, और कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, अच्छा गुड। मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि बेटे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं, आप तो तब भी मैच्योर हैं, समझदार हैं जी। हमारा कोर्स कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, जहां तक अकाउंट्स की बात है बच्चे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात है, तो बेटा हम ये जो क्लासेस है हमारी 1.45 आवर्स कह सकते हैं बेटा आप एक तरह से इसकी, ठीक है, हमें लगभग लगभग बेटे इसकी 60 क्लासेस लगेंगी बेटा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा बहुत सारा वास्ट है काफी चीजें, और मुझे चीजें, मैं बहुत कछुए की स्पीड चलने वाला इंसान हूं बेटा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, स्लोली, बट हाँ मेरे ख्याल से आपका सबका अटेम्प्ट दिसंबर में होगा,
दिसंबर में ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, दिसंबर तक आपकी चीजें अच्छे से विद रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और बताइए बेटा, इसके अलावा और कोई डाउट? तो हम स्टार्ट करें। अच्छा, मुझे ना स्टार्ट करते समय क्या होगा कि मैं किसी बच्चे को अगर स्टेज पे बुलाऊंगा तो आने में ना संकोच मत करना, ठीक है? ऐसा ऐसे ऐसे क्लास इंटरेक्टिव बनेगी बेटा, मतलब खाली मैं ही पढ़ाता रहूं, बम्बार्डिंग करता हूं तो उसको कोई फायदा नहीं है। आपको भी आना है स्टेज पे मेरे साथ जब मैं बुलाऊंगा, और आराम से मस्ती करनी है बेटा, ठीक है? जहां आपको लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मुझे बता देना बेटा, ठीक, हम वही क्लास रोक देंगे, राइट जी। ऐसा मैं हर बैच में कहता हूं मगर रोकता नहीं हूं, ठीक। हाँ बेटे, नहीं तो कोर्स कैसे, आपका तो 15 मिनट बाद ही मन नहीं करेगा बेटे जी। तो बिल्कुल ना ध्यान से सुनना, इधर देखिए, मैं इधर देखिए बेटा, मैं आपसे एक बात करता हूँ। हाँ आ जाइए बेटा, आप आना चाहेंगे स्टेज पे? आपका नाम? प्रिया, आइए। रिया, प्रिया, आइए बेटा। आपको ना फ्रेम से बाहर नहीं जाना है पहली बात तो, ठीक है? आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तो आपको फ्रेम से बाहर नहीं जाना है, ठीक। मैं आपसे कहता हूं कि बेटे मैं एक कंपनी हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, टॉपिक की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपको बिल्कुल मैं जस्ट बेसिक आउटलाइन दे दूं इस चैप्टर की, ठीक। मैं एक कंपनी हूं, मेरा नाम है बेटे जीत लिमिटेड, फाइन, जीत लिमिटेड। ये मेरी कंपनी के शेयर होल्डर है, आप सबको पता होगा शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। तो ये मेरे क्या है बेटा, मालकिन मत बोलिए, मालिक है ये मेरे, राइट? ये मेरे क्या है बच्चे, मालिक है। अब मेरी कंपनी की बैलेंस शीट जो है, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेम छोटा है, थोड़ा पीछे आइए आप, मेरी कंपनी की बैलेंस शीट बेटे ये ऐसी बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में ये रही बेटे कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, और ये रही क्या, असेट साइड। वैसे आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं, बैलेंस शीट टी शेप में ही बनती है कंपनी की, वर्टिकल बनती है, बट फिलहाल अभी आसानी के लिए आप ये समझे कि मेरी बैलेंस शीट की ये कौन सी साइड है, एसेट साइड, और ये लायबिलिटी साइड। आपसे पूछता हूं मैं, आप मुझे बताइए बैलेंस शीट में किस साइड कैपिटल आती है, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? कैपिटल, कैपिटल किस साइड आती है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बताओ किस साइड आती है बेटा जी, लायबिलिटी साइड आती है। सबको बेटे छोड़ो ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाया था आपने, वहां भी तो किस साइड आती थी, लायबिलिटी साइड। कैपिटल कह लो या फिर पार्टनर्स कैपिटल कह लो या शेयर कैपिटल कह लो बेटा, कंपनी केस में शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में किस साइड आती है आपकी, लायबिलिटी साइड आती है। और उसी साइड सभी प्रकार के रिजर्व्स भी आते हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो, सही बात है? हाँ बोलो जी, आते हैं। अब पता है क्या, मेरी बैलेंस शीट में यहां लबालब लायबिलिटी साइड में बेटे क्या है, रिजर्व पड़े हुए हैं, बहुत सारे रिजर्व पड़े हैं बेटे, टपक रहे हैं रिजर्व, सही बात है? और ये शेयर होल्डर है बेटा, इनको ना, हाँ सामने आइए, ये शेयर होल्डर है, ये जब उन रिजर्व को देखते हैं तो इनके मुंह में पानी आता है बेटे, बिल्कुल आएगा पानी बेटा, क्यों? क्योंकि ये मालिक है, ये क्या बच्चे, मालिक है। ऐसे करो एक बार, हाँ करो बेटे, शर्माना नहीं है, प्रॉपर एक्टिंग करनी है, करो। हाँ इनके मुंह में क्या आ रहा है बच्चे, हाँ रिजर्व को देख के इनके मुंह में क्या आ रहा है बेटे, पानी आ रहा है बेटे। क्यों आ रहा है रिजर्व को देख के पानी, क्यों? इनको उम्मीद है कि कंपनी इनको क्या देगी, डिविडेंड देगी। क्या देगी? डिविडेंड। भाई कंपनी के पास प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनको क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड मिलेगा। अब मैं कंपनी बेटे, मैं थोड़ी लाचार हूं, मैं थोड़ी मजबूर हूं, मजबूर पता हूं क्यों, कि अगर मैंने इनको डिविडेंड बांटा, अगर मैंने इनको डिविडेंड बांटा तो सुनना क्या होगा, यहां से मेरे रिजर्व्स कम होंगे, बोलो हाँ, और असेट साइड से मेरा बैंक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि हाँ डिविडेंड देंगे तो बस रिजर्व भी रिजर्व कम होंगे, डुअल एस्पेक्ट पढ़ा आप लोगों ने, तो यहां से बेटा रिजर्व भी कम होगा, बोलो हाँ, और यहां से क्या कम होगा बेटा, बैंक बैलेंस भी कम होगा बच्चे। मतलब कह सकते हैं आप कि मेरा कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। अब सुनना ध्यान से क्या समस्या है, मैं धर्म संकट पे हूं बेटा, कि एक तरफ तो मेरे मालिक हैं जो मुझे देखते हैं तो इनके मुंह में पानी आ जाता है बच्चे कि कंपनी डिविडेंड देगी, और दूसरी तरफ मेरे अपने ना कुछ फ्यूचर के प्लान है बेटा। फ्यूचर प्लान कैसे, फ्यूचर प्लान ऐसे कि भाई मुझे ना एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करना है बेटा, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी को और बड़ा करूं, और बड़ा करूं, और बड़ा करूं, तो एक्सपेंशन के लिए भी तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए बेटे, विटामिन एम, बोलो हाँ ना जी, पैसा चाहिए बेटा। अब अगर वो पैसा हमने इनको बांट दिया तो खुद सोचिए बेटे, दिक्कत आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी। ये एक शेयर होल्डर नहीं, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं बेटा जी, दिक्कत आएगी बेटा, लिक्विडिटी क्रंच आएगा, बोलो हाँ। तो अब क्या किया जाए कि मैं, ध्यान से सुनना, क्या किया जाए कि ये भी नाराज ना हो और डिविडेंड भी ना देना पड़े, मतलब रिजर्व्स को देख के इनके मुंह में पानी भी ना आए और कंपनी डिविडेंड भी ना बांटे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या करे बेटे कंपनी? तो इसलिए पता है क्या किया गया, ध्यान सुने, एक कंसेप्ट लेकर आया गया, हमने आपसे बोला कि शेयर होल्डर इन रिजर्व्स को देख के तो मुंह में पानी आ रहा है ना आपके, फाइन तुम टेंशन मत, हमने इनसे बात की बेटा, हमने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम क्या पता है क्या करेंगे, हम आपको फ्री में शेयर्स देंगे, क्या देंगे, फ्री में शेयर्स देंगे, हम आपको फ्री में शेयर्स देंगे। खुद सोचो, वो शेयर्स जिन्होंने पैसे देके खरीदे थे पहले कभी, अब हम इनसे क्या बोलेंगे, हम आपको शेयर्स कैसे देंगे, फ्री में शेयर्स देंगे। आप बताइए इनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा,
अच्छा लगेगा। फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि मैं इन शेयर्स को कौन सा वाला नाम दूं बेटा, शेयर्स विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। मैं इनसे बोल रहा हूं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बोल रहा हूं कि हे शेयर होल्डर, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको क्या करेंगे, फ्री में शेयर्स देंगे, मुफ्त में शेयर्स देंगे बच्चे। अब बताओ खुश होंगे नहीं होंगे आप, बोलो सच्ची करो ना ऐसे, हाँ मुच्ची बिल्कुल फ्री में शेयर्स देंगे बेटा। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, इनको जब हम फ्री में शेयर्स देंगे, दिल पा तक एक बात बताइएगा, इनको फ्री में शेयर्स देंगे, क्या मेरे पास पैसा आएगा? मेरे पास पैसा तो नहीं आएगा बेटा, बट शेयर में इश्यू कर रहा हूं, बचपन से जानते हैं आप, एक बात ध्यान सुनना, शेयर्स में इश्यू कर रहा हूं तो पता क्या होगा, शेयर कैपिटल घटेगी बढ़ेगी? जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल घटती है बढ़ती है? बढ़ती है बेटा। तो लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल तो बढ़ रही है बट पैसा नहीं आ रहा बेटा, बट पैसा नहीं आ रहा। आई रिपीट, लायबिलिटी साइड में बेटा शेयर कैपिटल तो बढ़ रही है बट पैसा नहीं आ रहा। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, दूसरा एस्पेक्ट पता क्या होगा, रिजर्व्स कम हो जाएंगे और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। मतलब हम ये बोलेंगे कि आप टेंशन मत दीजिए, हम आपको डिविडेंड तो नहीं दे सकते सॉरी, बट हाँ हम आपको फ्री में शेयर्स देने बेटे, हम आपको फ्री में शेयर्स देने। और जब हम इनको फ्री में शेयर्स देंगे तो इसकी वजह से होगा क्या बेटा, एक तरफ शेयर कैपिटल बढ़ेगी और उसी तरफ से ही बेटे रिजर्व सरप्लस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी तक आपने 12th स्टैंडर्ड तक क्या सीखा था बेटा, कि जब शेयर इश्यू होते थे तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ता था और शेयर कैपिटल बढ़ती थी। बट अब क्या हो रहा है बेटा, हम इनको बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि शेयर कैपिटल बढ़ रही है और इसी साइड से रिजर्व सरप्लस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। बट डुअल एस्पेक्ट तो करना पड़ेगा आपको, आप खाली ये नहीं बोलते कि शेयर कैपिटल बढ़ रही है, यस नो। पहले क्या होता था, बैंक बढ़ता था शेयर कैपिटल बढ़ती थी, वो बोनस शेयर नहीं थे, वो विद कंसिडरेशन थे। अब की बार हम इन्हें विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं तो क्या होगा बेटा, यहां से शेयर कैपिटल बढ़ेगी और यहीं से रिजर्व सरप्लस क्या होगा बेटा, कम होगा। हाँ बोल दीजिए, बात समझ में आई? अच्छा, क्योंकि हमने इनसे एक भी नया पैसा नहीं लिया तो व्हाट शुड आई कॉल इट, मुझे इसे क्या बोलना चाहिए, नॉर्मल शेयर्स या बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स। और इस बोनस इशू को ही कहा जाता है बेटे क्या बच्चे, बोनस इशू। जी दोस्त बोले, बेटे समझे नहीं बात को, इनसे हम कुछ ले तो रहे नहीं है, कंपनी कह रही है अपने शेयरहोल्डर से कि भाई आपसे हम कुछ ले नहीं रहे, बल्कि हम आपको क्या करें, फ्री में शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, क्योंकि आप हमारे क्या हैं, मालिक हैं, और हमारी बैलेंस शीट में क्या पड़े हुए हैं, रिजर्व्स पड़े हुए। सही बात है, तो उन रिजर्व्स को घटाकर हम अपनी कैपिटल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्लियर बात बोली बेटे, प्लीज मुझसे पूछिए। बैंक में बैलेंस रखा था ग्रोथ के लिए, जी चले आगे, और वो मेरा कम नहीं हुआ है, हुआ क्या नहीं हुआ है, और बढ़ा भी नहीं है क्योंकि इनसे नया पैसा आया भी नहीं है। सही बात है, अब क्या मैं कहता हूं, ये भी खुश है, ये पता है खुश, 36 लोगों को बताएंगे कि मेरी कंपनी ने मुझे क्या दिया है, फ्री में शेयर्स दिए बच्चे। सही बात है, और वहीं कंपनी भी खुश है, हमारा क्या गया, एक एंट्री पास करनी पड़ी बेटा, रिजर्व कम हो गए, कैपिटल बढ़ गई, शेयरहोल्डर नाच रहा है बेटा कि फ्री में शेयर मिले। मजे की बात सुनो, कंपनी के पैसे इंटेक्ट के इंटेक्ट, कंपनी के पैसे वहीं के वहीं है। हां बोल दीजिए। अच्छा ये तो हुआ बेटे क्या, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स। एक बात और बताता हूं आपको मैं, अगर सुनना चाहोगे तो, चाहते हो सुनना, सुनना ध्यान से, आप बैठिए बेटा इसी घड़ी, सरदार जी आओ इधर आओ बेटा, नाम क्या आपका, आओ बेटा, कौर सिंह, अच्छा आइए, आप तो मुझसे भी बड़े हो हाइट में। हाँ ध्यान सुना, इनकी बात करते बेटा, इनके पास पता है कंपनी के शेयर्स हैं, ये भी इनके पास भी कंपनी के शेयर्स हैं, और इनके पास पकड़ो ना इसे, इनके पास ऐसे दिखाओ इसे, इनके पास इधर इधर इधर, इधर हाँ। इनके पास कंपनी के ना पार्टी पेड अप शेयर है। कैसे शेयर बेटा, पार्टी पेड अप शेयर। पार्टी पेड अप शेयर का मतलब समझिएगा बेटा कि 10 रुपए के शेयर्स में से इन्होंने कितने रुपए पे कर रखे हैं, लेट्स से बेटा इन्होंने पे कर रखे हैं 8 रुपए पे कर रखे हैं, कितने बचे 8 रुपए। फाइन, ये हमारे क्या नाम बताया था आपने, एम, ठीक, इनके पास शेयर है ऑफ रुपीज, कितना ईच बेटा 10 ईच, और पेड अप कितना है बेटा 8 पेड अप है। अपने दिल पर तक एक बात बताइए, जब भी कभी कल को कंपनी इनसे 2 रुपए मंगाएगी तो उनको देने पड़ेंगे, मैं ही इनकी कंपनी हूं जीत लिमिटेड, ये मेरे शेयर होल्डर हैं बेटे, और इनके पास पार्टी पेड अप शेयर्स हैं। सही बात है, मैं जब भी कभी इनसे कल को पैसे मंगाऊंगी तो इनको देने पड़ेंगे, यस नो, देने पड़ेंगे बेटा। तो 2 रुपए देने की इनकी जिम्मेदारी है बच्चे, फाइन। और अगर इन्होंने नहीं दिए तो याद करो अपना बचपन, कंपनी के पास एक राइट था शेयर को फोरफिट करने का, शेयर को फोरफिट करने का, कि अगर हमने पैसा मंगाया और तुमने आनाकानी की तो प्लीज ध्यान रखना बेटे क्या, कि जो 8 रुपए दिए ना पहले उन्हें भी भूल जाना, फोरफिट हो जाएंगे वो, ये पता है सबको। अब ध्यान सुनो बेटे प्लीज, ये मुझसे मेरे कान में एक बात कहते हैं, उनका तो कर दिया आपने,
उनको फ्री में शेयर्स दे दिया आपने, हमारा क्या होगा? ठहरू ठहरू, हमने इनसे पता क्या बोला, ध्यान से सुनना, हमने इनसे बोला कि तुम पाजी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 10 रुपए के शेयर्स के 8 रुपए हमारे पास आ रखे हैं, 8 रुपए हमारे पास आ रखे हैं, हम क्या करेंगे आपसे 2 रुपए नहीं लेंगे और इन्हीं पार्टली पेडअप शेयर्स को फुली पेडअप बना देंगे, 2 रुपए लेंगे नहीं इनसे और इसी पार्टली पेडअप को क्या बना देंगे, फुली पेडअप बना देंगे। ध्यान सुनना, मैंने आपके साथ दो एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, एक जहां मैं, आपका नाम था प्रिया, जहां मैं प्रिया को नए शेयर इश्यू करा था फुली पेडअप बिना कुछ लिए, एक तो वो था, दूसरा मैं इनके पार्टली पेडअप शेयर्स को फुली पेडअप बना रहा हूं बिना कुछ लिए, सही बात है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, बोनस शेयर कहां पर है और बोनस कॉल कहां पर है? ये पाजी के साथ मैं क्या कर रहा हूं, बोनस कॉल कर रहा हूं या बोनस शेयर कर रहा हूं? मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको, ऐसे पूछ रहा हूं बस ऐसे। इनके पार्टली पेडअप शेयर्स को फुली पेडअप बना रहा हूं तो बताइए ये बोनस कॉल है बोनस शेयर है? और यू कैन नॉट, यू कैन नॉट से इट बोनस शेयर, रीजन बीइंग कि भाई मैंने इनको नए शेयर दिए ही नहीं है, मैंने तो इनके पार्टली पेडअप को क्या बनाया, फुली पेडअप बनाया और मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, टेंशन मत दीजिए, सही बात है। तो प्लीज क्या मैं कह सकता हूं, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया बोनस कॉल। और आपको दीदी हमने क्या किया, हमने फुली पेडअप शेयर इशू किए, नए शेयर इशू किए आपको बच्चे, ये है बोनस शेयर। तो बोनस इशू के ना दो टुकड़े हैं बेटा, बोनस कॉल बोनस शेयर। जब आप बात करते हैं बोनस कॉल की तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन है, जब आप बात करते हैं बोनस शेयर्स की वो भी विदाउट कंसिडरेशन है, बस फर्क सिर्फ इतना है बोनस कॉल में क्या हो रहा है बेटा, आप पार्टली पेडअप शेयर्स को फुली पेडअप बना रहे हैं बिना नया पैसा लिए, और बोनस शेयर्स में क्या हो रहा है, आप नए शेयर इश्यू कर रहे हैं फ्री में बिना पैसा लिए, सही बात है। और मजे की एक बात बताता हूं आपको, ध्यान सुनना, इन दोनों ही स्थिति में, चाहे आपका केस हो प्रिया या आपका केस हो बेटा पाजी, तो क्या होगा, दोनों ही केस में आप पाओगे कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, सही बात है। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाते हैं, ध्यान से सुनना मजा आएगा आपको बच्चे, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाते हैं और शेयर कैपिटल क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरा सहयोग देंगे, प्लीज, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाते हैं शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, कहने का मतलब यह है कि रिजर्व एंड सरप्लस समा जाते हैं किसके अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस घुस जाते हैं किसके अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस लीन हो जाते हैं किसके अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटलाइज हो जाते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटलाइज। तो इसलिए ना बोनस इशू में कुछ भी नहीं होता बेटे, कुछ भी नहीं है बोनस इशू बेटे, लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको मौका दूंगा बेटे लिखने का, बस अभी समझ में फोकस करें, बोनस इशू में कुछ भी नहीं है बच्चे, आपके जो रिजर्व हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, कैपिटलाइज हो जाते हैं, इसलिए इसे कैपिटलाइजेशन इशू भी कहा जाता है। कोई पूछे कि इसका घर का नाम क्या है, तो बोले इसका घर का नाम है कैपिटलाइजेशन इशू। और क्यों नाम है ये नाम क्यों पड़ा, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो क्या हो जाते हैं, कैपिटलाइज हो जाते हैं, कैपिटल के अंदर घुस जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा एक बात, अभी आता हूं आपके पास, एक बात और, एक बात और, आपको पता है शेयर्स को स्टॉक भी कहते हैं, आपने स्टॉक मार्केट आज बहुत, आज बजट आया देखा होगा आपने, मार्केट कितनी बुरी तरह चढ़ी ऊपर, सही बात है, स्टॉक मार्केट। अच्छा शेयर को ना एक नाम से और जानते हैं बेटा, स्क्रिप्ट, क्या कहते हैं बेटा, जैसे कई बार आपने सुना होगा आपके कोई बड़े दीदी भैया सीए सीए सीएमए है तो आप उनसे बोलते हो कि अच्छा शेयर बताओ ना, तो अच्छा शेयर बताओ ना क्योंकि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शेयर बोलने की बजाय आप उसे स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट बताइए ना, स्क्रिप्ट। तो इसलिए ना बोनस इशू के अंदर, बोनस इशू के अंदर क्योंकि हम नए शेयर इशू कर रहे होते हैं, किए थे आप नए शेयर इशू बिना पैसे लिए, फाइन, तो इसलिए बोनस इशू का ना एक नाम और है बेटे, क्या बच्चे, स्क्रिप इशू, स्क्रिप इशू, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? अच्छा तो प्लीज मैंने आपको क्या बताया है उसको फटाफट से एक बार हल्का सा रिकॉल करते हैं फिर आगे चलते हैं। बेटे भी कुछ लिखना नहीं है बच्चे, कुछ मत लिखो, आप सब हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप सबने हां बोला है मुझसे, पक्का ना जी। मैं आपसे एक बात कह रहा था कि बोनस इश्यू दो प्रकार का, एक बोनस कॉल एक बोनस शेयर्स। बोनस कॉल का मतलब क्या हो गया, मेकिंग पार्टली पेडअप शेयर्स एज फुली पेडअप विदाउट एनी कंसिडरेशन। बोनस शेयर का मतलब क्या हो गया, इशूइंग फुली पेडअप शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। इन बोथ द केसेस माई रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीजेस एंड द शेयर कैपिटल इंक्रीजेस।
एंड बिकॉज दिस रिजर्व एंड सरप्लस इज बीइंग कैपिटलाइज्ड इन शेयर कैपिटल दैट्स व्हाई दिस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन इशू एंड बिकॉज वी आर इशूइंग फ्रेश शेयर इन दिस इशू इसलिए ये स्ट्रिप इशू भी कहा जाता है. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का जी, बोलिए बेटा. बेटे क्योंकि ना इसके अंतर्गत हम नए शेयर भी इशू कर रहे होते हैं फाइन अपने शेयर होल्डर्स को, इसलिए और शेयर्स को बेटे क्या कहते हैं, स्क्रिप भी कहते हैं, इसलिए इस इशू को स्क्रिप इशू भी कहते हैं बेटे. राइट बेटा, आपको कुछ डाउट था बेटा? कितनी प्यारी बात बोली आपके दोस्त ने कि सर मान लीजिए किसी ने 8 रुपए दे दिए और किसी ने 4 दिए, तो बेटे हम ना ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, हम ना सेम बेनिफिट पहुंचाते हैं. जैसे इधर देखो बेटा कि मैंने इनके 8 रुपए आए थे, इनको मैंने 2 रुपए का बेनिफिट पहुंचाया, क्या आपको नहीं लगता कि हर 4 रुपए पे 1 रुपए का बेनिफिट है? हर 4 रुपए पे 1 रुपए का बेनिफिट है. तो किसी के अगर 4 रुपए आ रखे हैं तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि आपको भी 2 की बोनस कॉल है ना, उसको कितनी की होगी? 1 की होगी. बच्चे आई बात समझ में? सेम रेशियो में पैरिटी रहनी चाहिए ना बेटा, नहीं बात समझ में? हाँ बोलिए जी. चले वैसे इन जनरल ना रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है बेटा. अगर आपने पैसे नहीं दिए शेयर फॉरफिट, खत्म कहानी. दूसरी बात, आप पैसे तभी नहीं दोगे जब मैं मंगाऊंगा नहीं, अगर मैंने मंगाया तो आपको देना पड़ेगा. राइट. और तीसरी बात, मजे की बात बच्चे, आज की लाइफ में कॉल का सिस्टम ही नहीं है बेटा. एक ही बार में सारा पैसा आईपीओ के समय पूरा अप्लाई कर दिया जाता है. ठीक है जी, एक साथ. राइट, कोई दिक्कत? चलो समझ में बात. बैठे बैठे धन्यवाद बच्चे. आइए बेटा प्लीज पढ़ते हैं बोनस इशू एंड राइट इशू. बेटे बोनस इशू पढ़ रहे हैं अभी हम, राइट इशू को हम दो क्लास बाद कवर कर पाएंगे बच्चे. फाइन, बोनस इशू की बात करते हैं आराम से तसल्ली से बेटा. बोनस इशू का घर का नाम क्या है बेटा? हाँ, कैपिटलाइजेशन इशू. और दूसरा नाम क्या है बच्चे? स्क्रिप इशू. ये नाम इनके क्यों पड़े? आइए पढ़ते हैं बेटा जी. कैपिटलाइजेशन इशू क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट्स ऑब्लिक रिजर्व्स कैपिटल में घुस जाते हैं, समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं. राइट, इसलिए इसे क्या बोला बेटा आपने? कैपिटलाइजेशन इशू बोला. अच्छा, स्क्रिप इशू क्यों बोला बेटा? क्योंकि यहां नए शेयर्स इशू हुए, इसलिए बेटे से स्क्रिप इशू का नाम दिया गया. कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बेटा, अब आइए देखिए ध्यान से. ये बैलेंस शीट दी है बेटा आपके सामने, जीत ओ सॉरी, ठीक, जीत द हैंडसम लिमिटेड की बैलेंस शीट दी. आराम से देखना बेटे क्या कहा जा रहा है. प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ वापिस आइए बेटा. ये रेड पेन वाला नहीं पढ़ना है आपको अभी. राइट, मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बच्चे? मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा कितनी? 1,00,000 इक्विटी शेयर है. ऑफ रुपीज कितना ईच बच्चे? 10 ईच. 10,00,000 आ गया, बोलो हाँ यस नो? 10,00,000 की बेटे मेरी क्या आ गई बच्चे? इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, बहुत अच्छी बात है. जनरल रिजर्व कितने के पड़े बेटा? और पीएनएल यानी कि सरप्लस पड़ा है कितने का बेटा? इसी को देख के बेटे शेयर होल्डर्स के मुंह में पानी आता है बेटा, सही बात है. अच्छा, और यहां बैंक बैलेंस पड़ा है बेटे भारी भरकम कितने का? 6,00,000 का. अब शेयर होल्डर्स कहते हैं डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, सही बात है जी. अब होगा क्या? जैसे आपने देखो ना, पापा के पास पैसा आया नहीं कि मम्मी को कहते हैं रिंग चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. आई बात वही बात यहां भी है. इससे दिक्कत है बेटे. क्या दिक्कत है? कि इतने सारे ये रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स को देख के शोल्डर्स कह रहे हैं भाई डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए. अब डिविडेंड देंगे तो यहां से ये कम होगा रिजर्व्स, और यहां से क्या कम होगा बेटा? बैंक कम होगा बेटा. दिक्कत है. कंपनी चाहती है कि ये बैंक बैलेंस में कुछ ना हो बेटा. क्यों? क्योंकि कंपनी के अपने फ्यूचर प्लान है, बोलो है ना. तो क्या किया जाए बेटा? तो कंपनी कहती है टेंशन नहीं शोल्डर, हम तुम्हें भी खुश रखेंगे और खुद भी खुश रहेंगे. पता है क्या बोला शेयर होल्डर से? बोला जा रहा है अच्छा, ये शेयर फुली पेड अप है पार्टली पेड अप है? जी फुली पेड अप शेयर है बेटा. फाइन, 1,00,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 10,00,000 बन रहा है. इसका अंदर पूरे पूरे फुली पेड अप है. राइट, क्या इसमें कोई बोनस कॉल का स्कोप है? दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या स्कोप है बोनस कॉल का? ऑब्वियसली बट देयर इज नो स्कोप फॉर बोनस कॉल. राइट जी, बोनस शेयर का है बेटा. आइए, कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला कि आप सब शेयर होल्डर हो बेटा, मैं जीत लिमिटेड, आप सब मेरे शेयर होल्डर. कंपनी बोल रही है आपसे कि हे शेयर होल्डर्स, हम तुम्हें हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में देंगे. ध्यान से सुनना बेटा, हर आपने वो पढ़ा है फ्रैक्शन पढ़ा है आपने, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को ना हिंदी में कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को कहते हैं बेटा क्या? हर. पता नहीं? पता, चलो छोड़ो. इसे न्यूमरेटर कहते पता है आपको? इसे डिनोमिनेटर कहते पता है आपको? इसे हिंदी में ना हर कहते हैं, इसे इंग्लिश में अंश कहते, पता है? चलो, किसी को भी नहीं पता? अच्छा चलो, अच्छी बात. इंग्लिश में भी नहीं पता? अच्छा ठीक है.
तो क्या बोला, हाँ ध्यान सुना, हमने कहा कि हम आपको हर दो शेयर के बदले कितने शेयर देंगे, एक शेयर देंगे। तो ध्यान रखना रेशियो पता है क्या बनेगा, हर दो शेयर के बदले एक शेयर दिया जाएगा, यानी कि रेशियो बनेगा बेटे क्या, 1:2 का। बच्चे कहते हैं 2:1 का, बेटे रेशियो बनेगा 1:2 का। और मजे की बात, रेशियो को स्टार्ट किया जाता है बेटे कहां से, बच्चे डिनोमिनेटर से। फॉर एवरी टू हम आपको कितने शेयर इशू करेंगे, 1 शेयर इशू करेंगे। दिल पहा तक के बताना बेटे प्लीज, क्या कहता हूं मैं आपसे, मजा ना आया तो बताना, हर दो शेयर्स के बदले बोनस। रेटिंग थोड़ी गंदी है बेटा, ठीक है ना, अब ऐसा नहीं हो सकता ना, टीचर लिखे भी अच्छा दिखे भी अच्छा, फाइन। हाँ, हर दो शेयर के बदले बोनस शेयर्स कितने बेटा आपका, एक। हाँ बोलो, हर दो शेयर के बदले बोनस शेयर कितने बेटा आपका, एक। हर एक वो आता ना यूनिटरी मेथड तो आता ही होगा थोड़ा बहुत जी, तो हर एक शेयर के बदले बोनस शेयर कितना, 1/2। बैलेंस शीट में बताना बेटा कितने शेयर्स हैं, शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर कितने, 1 लाख। बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है बेटा, तो बताइए हर 1 लाख शेयर्स के बदले बोनस शेयर 1/2 × 1 लाख, बताइए बेटा कितना, 50,000 शेयर्स बोलो। हाँ अच्छा, ये नंबर आए अमाउंट आया, शेयर्स के नंबर आए, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, कितनी है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये तो नंबर ऑफ बोनस शेयर हुए बेटा, बोनस शेयर हो गए बेटे कितने बच्चे, 50,000 शेयर्स। हाँ बोलो, और अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूं तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल, जल्दी बोलो फटाफट से बेटा, हाँ 50,000 की पावर 10 होगी, कैलसी फट जाएगा आपका। हाँ 50,000 × 10 बेटे कितना आएगा, कितना है बच्चा आपका, ₹5 लाख, isn't it? नहीं बात समझ में, हाँ बोलो। तो ये है बेटा अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल, कितना बचा आपका, 5 लाख, और ये क्या बेटा नंबर ऑफ शेयर्स, कितना बेटा आपका, 50,000। आई होप आई एम क्लियर जी बेटा। अरे कैसी बात करते हो, कैसी, कितनी भी भद्दी क्वेरी हो पूछो, कोई शर्मा नहीं, छोटा भाई हूं आपका मैं, बोलो। हाँ यस, माई डेट ऑफ बर्थ इज 22nd अगस्त, नहीं नहीं नॉट 2000 बेटा, एक साल पहले हो गया बच्चे। हाँ 999 बोलिए बेटा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं बेटा, पार्टी पेड भी होते हैं। अगर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दो प्रकार के शेयर्स होते हैं बच्चे, फाइन। इक्विटी शेयर्स होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बेटा, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर एंटाइटेड फॉर अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ओनली, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स के पास बेटा कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, बट जो इक्विटी वाले हैं दे हैव द वोटिंग राइट्स, दे आर द डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी। सही बात है, वो कंपनी के एजीएम में वोट कर सकते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि बेटे वो वोट करें और बेटे कंपनी को कैसे चलाना है डिसाइड करें, बट प्रेफरेंस वालों के पास ये अधिकार नहीं होता। बट ये कह देना कि इक्विटी वाले हमेशा फुली बेटअप होते हैं, इट्स रॉन्ग, ठीक है, चले गुड। और कोई क्वेश्चन लेम नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, आपको कुछ सीखना है तभी तो आप यहां बैठे हैं ना बेटे, और मैं भी सीख रहा हूं आपको पढ़ा के कि बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ मतलब इतने अच्छे होनहार। हाँ चलिए आइए, सुनिएगा, आप गलत वे में ले गए, मैंने आपकी तारीफ की थी बेटा, चलिए आइए आइए, लो बेटा लो पढ़िए से बेटा। बोनस इश्यू का हमने रेशियो निकाला बेटा कितना बच्चा, 1:2। बोनस इश्यू का रेशियो निकला 1:2 हमने बोला, तो क्या बोला भाई, हर दो शेयर के बदले एक नया बोनस शेयर फ्री में, कैसे बच्चे, फ्री में, ये फ्री लिखा है जो दिख नहीं रहा आपको, फ्री में, फाइन। अच्छा चलना बेटा आगे, तो हर दो एग्जिस्टिंग शेयर के बदले, तो देखो बेटे वही बात लिखी जो यहां लिखी बेटा, क्योंकि मैंने वही वो लिखा है जो यहां लिखा है, हर दो शेयर के बदले बोनस शेयर कितना, एक। तो हर एक शेयर के बदले बोनस शेयर कितना, 1/2, तो 1 लाख शेयर के बदले कितना होगा, 1/2 × 1 लाख, फाइन। तो 50,000 शेयर्स वुड बी देयर, राइट, ये आ गया नंबर, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। अब मुझे इसका अमाउंट निकालना है बेटा, निकालो भाई अमाउंट निकालो बच्चे, अमाउंट कैसे निकालें, बोलो बेटा अमाउंट कैसे निकालें, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, लो जी, नहीं ये बात समझ में। और मजे की बात, अगर आपको हो तो बताऊं, बताऊं जोर से बोलो, हाँ बताओ जी, 400 तो अपनी बीवी की नहीं सुनता बेटा, हाँ हाँ बाल विवाह हुआ था मेरा बेटा,
सुने सुने हाँ बताना बात सही नहीं है। अब ये नहीं कि गर्ल्स नस काट लेंगे अपने हाथों की, नहीं ऐसा नहीं। सुने सुने मेरी तो देखे ध्यान से, प्लीज 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 वापिस आ जाओ बेटा। सारी बातें काल्पनिक है बेटा, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना नहीं है बेटा। वापिस आओ, टॉपिक पाओ बेटा। बात चल रही बेटी किसकी कि हाँ बस ये देखो ये आपका रिजर्वेशन सरप्लस बेटे, हाँ बोलो। और आपने भी बताया कि बेटा अमाउंट ऑफ बोनस शेयर पे कितना होगा, 5 लाख होगा, ये बताया आप लोगों ने। अच्छा तो अब पता होगा कि मैं आपको कुछ एंट्रीज सिखाऊंगा और एंट्रीज के माध्यम से आप ये जानोगे कि पता है जब बोनस इशू हो जाएगा ना तो ये भी 3 लाख फिनिश, ये भी 2 लाख फिनिश और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी कितने से, 5 लाख से। सही बात है भाई, शेयर इश्यू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल का बढ़ना तो लाजमी है, बोलो हाँ। शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और यहां रिजर्व सरप्लस क्या हो जाएंगे बेटे, कम हो जाएंगे, कितने से बचे, 5 लाख से, खत्म बस। और इसीलिए से कहते हैं कि देखो बेटे मेरे रिजर्व सरप्लस जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बेटा, शेयर कैपिटल में घुस जा रहे हैं बच्चे। सही बात है, कैपिटलाइज हो रहे हैं बेटे, राइट। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो, सारी आती है पक्का। चलिए बेटा आइए देखिए एक बार पढ़ना बेटा आराम से, हाँ पढ़िए बेटे जो बात मैंने बोली थी आपसे वही बात यहां लिखी हुई है। बोनस इश्यू मींस मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज कैसे बच्चे, फुली पेड अप विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। और इसीलिए प्लीज पार्टली पेड अप को, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं बेटा, फुली पेड अप बना रहे हैं, क्या आप कोई नया शेयर इशू कर रहे हैं, नहीं। तो ये बोनस शेयर है, बोनस कॉल है, बोनस कॉल है, दैट इज बोनस कॉल, कोई दिक्कत तो नहीं। या फिर बोनस इशू की ही अगर हम बात करें तो इसमें एक बात और आती है, इशूइंग फुली पेड अप शेयर्स टू किसको बच्चे, वाह मोदी जी वाह, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को विदाउट एनी कंसिडरेशन। प्लीज यहां कोई पार्टी पेड अप को फुली पेड अप बना रहे हो या नया शेयर इशू कर रहे हो बेटा, क्या पैसे ले रहे हो, नहीं। तो इसलिए बेटे क्या बोनस, आई होप बात समझ में आती होगी बेटा, पक्का कोई दिक्कत, चलो गुड बेटा आगे चले। देखो कितनी प्यारी बात लिखी है बेटा, हाँ आ जाओ जी। क्या कहते हैं, सिंस बोनस इश्यू इन्वॉल्व्स, क्या कहते हैं, सिंस बोनस इश्यू इन्वॉल्व्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट देयरफॉर इट इज नोन एज, कौन सा इश्यू बेटा, इसलिए इसका घर का नाम है बेटा कैपिटलाइजेशन इश्यू। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या बोलते हैं, सिंस बोनस इश्यू इन्वॉल्व्स इश्यू ऑफ शेयर्स देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बच्चे, स्क्रिप इशू, हाँ जी ऑल्सो नोन एज, कौन सा इशू बेटा, स्क्रिप इशू, कोई दिक्कत, चले डन है। अच्छा मैं चाहूंगा इसे फटाफट से चिपका लीजिए आप, जल्दी जल्दी बच्चे यार स्क्रीन फुल कर दीजिए, जल्दी फटाफट नोट कीजिए बेटा, देखते कौन सा बच्चा सबसे पहले चिपकाता है बेटे। हाँ मैं स्क्रॉल करता रहूंगा बेटे ऊपर ऊपर, ठीक है ना। हाँ आप भी फटाफट स्क्रीन पे ध्यान दें और नोट करने पे ध्यान दें बस, और जैसे लिखा है वैसे ही चिपकाइए, ठीक है। नहीं हुआ, चलो चलो करो करो करो, कोई बात नहीं।
मैंने कहां चेंज किया है? अच्छा प्लीज 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 बेटा प्लीज आइए। प्लीज आइए चले आगे। बेटे हॉरिजॉन्टली नोट कीजिए ठीक है ना। हाँ और कसम है आपको, अगर अपने ग्रेजुएशन के लिए कोई ट्यूशन लिया अकाउंट्स के लिए बेटा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए कोई ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको बच्चे, इसे अच्छे से पढ़िए बस ठीक है, आराम से सब कुछ कवर होगा बेटा। कंसोलिडेशन जैसे टॉपिक भी है आपके, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरी दो चार बातें मानेंगे तो आराम से 90% मार्क्स आराम से आ सकते हैं बेटा। एफएम आपको कालरा सर पढ़ाएंगे बेटा, वहां तो आप आउट ऑफ आउट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। डन चलिए हो गया बेटा चले, जिनका रह गया बेटा बाद में नोट कीजिएगा। अब स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी, कुछ सीखो कि स्पीड बढ़ानी है। हाँ एक दो लाइन जो रह गई बाद में नोट कीजिएगा बेटा, मूव ऑन कीजिए नेक्स्ट पेज पर।
डन है बेटा। अच्छा सुनिए ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं आपसे कि आपको अच्छे मार्क्स देके आने, तो दो रिक्विजिट है बेटा, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। क्या रिक्विजिट है? पहली बात तो ये कि जब आप क्लास में बैठे ना बेटा, फोन आपके बैक की जेब में होना चाहिए बेटा। कर सकते इतना फोन बस एक घंटे 45 मिनट के लिए बैक की जेब में रह सकता है? हाँ बोलो जी। पैंट की जेब में भी नहीं, जींस की जेब में भी नहीं, कहाँ बच्चे? बैक की जेब में, ठीक। हाँ, और साइलेंट पर होना चाहिए आपको। आप हमें लगता है ऐसा कि मतलब हमारे बिना दुनिया चल सकती है मेरे ख्याल से, राइट? तो कोई आफत नहीं आ रही, एक घंटा 45 मिनट अगर हम फोन को साइड रखें तो, पहली बात। दूसरी बात ये बेटा, आपको रेगुलर रहना है बस, और कोई काम नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में यही तक कर लेंगे कि आपको घर से आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा काम, फाइन, बस आपको रेगुलर रहना है। अब ये नहीं कि आप ओपन से कर रहे हैं सीएस, ठीक है, एक दिन आ रहे हैं फिर उसके बाद दो दिन बाद आ रहे हैं, राइट जी, क्लियर है? रेगुलर रहना है बेटा। आइए, अब बात चल रही बेटी क्या कि आपने कहा कि भाई हम बोनस शेयर्स इश्यू करेंगे, बोनस कॉल देंगे, फाइन, तो रिजर्व्स का यूज करेंगे, ये तो बात फॉर श्योर है बेटा। अब कौन से रिजर्व का यूज करेंगे, ये थोड़ा ना कि हाँ जो मन में आए वो रिजर्व यूज कर लेंगे। तो पता है क्या है, कंपनीज एक्ट कुछ बातें हमें बताता है कि आप इन रिजर्व्स का यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए बेटा, बोनस इश्यू के लिए बेटा, बोनस इश्यू के लिए। अब बोनस इश्यू भी आप जानते हैं दो प्रकार का होता है बेटा, एक बोनस कॉल और एक बोनस शेयर्स। जब बात करें बेटे किसकी, बोनस कॉल की, तो बोनस कॉल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ यूज कर पाएंगे दो रिजर्व। कौन कौन से दो रिजर्व बेटा? एक और दो, ये दो रिजर्व कौन कौन से? पहला जनरल रिजर्व और दूसरा बेटा आपका पीएनएल। क्या बच्चे? पहला जनरल रिजर्व और दूसरा क्या बेटा? पीएनएल। एक्चुअली जनरल रिजर्व पीएनएल पता है क्या है? जनरल रिजर्व पीएनएल है बेटे क्या? फ्री रिजर्व है बच्चे। ये कहते हैं हमें जहां मन चाहे, पूरे कंपनीज एक्ट में जहां मन चाहे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हम यूज नहीं हो सकते, हर जगह यूज होंगे बेटा। नाम ही क्या है? फ्री रिजर्व। सही बात है। तो इट कैन बी यूज एनीवेयर। तो खुद सोचो, जब मैंने बोला एनीवेयर तो बोनस कॉल के लिए तो यूज हो सकते हैं, बोनस शेयर्स के लिए वहां भी हो सकते हैं, वहां भी हो सकते हैं, बट हाँ बोनस शेयर्स के केस में आपको दो रिजर्व एक्स्ट्रा ऐसे मिलेंगे, दो रिजर्व एक्स्ट्रा और ऐसे मिलेंगे जिनसे आप सिर्फ बोनस शेयर दे सकते हो, बोनस कॉल नहीं। वो कौन कौन से हैं बताता हूं। पढ़े हैं आपने कंपनीज एक्ट में? चलो दिशा में पढ़ाएंगे आपको, वैसे मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्रकाश ऐड करता हूं। कि पहला रिजर्व बेटा क्या आपका? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बोलो एक बार, CRR। बोलो एक बार, ये CRR वो इकोनॉमिक्स वाला CRR नहीं है, CRR मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पता है क्या कहते हैं? उसका सिर्फ एक ही यूज है बेटा, सेक्शन 55 है कंपनीज एक्ट में, वहां बताया गया है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोग है बेटा, कि उसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, कॉल भी नहीं, बोनस शेयर्स, सिर्फ बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं सीआरआर को मैंने उठाया, मैंने कहा हे सीआरआर तुम्हारा क्या यूज है? कहते हैं सिर्फ एक, क्या बच्चे? बोनस शेयर। सही बात है। अच्छा बोनस कॉल नहीं। फिर बात आती है बेटी किसकी? सिक्योरिटीज प्रीमियम की, सिक्योरिटीज। और याद करो, जब छोटे छोटे बच्चे थे 12th क्लास में थे बेटा, सिक्योरिटीज पीएम के यूजेस से पढ़े थे आपने, पांच यूज थे वहां पर बेटा, वो पांच यूज में से एक यूज ये भी था, और आपको याद हो बेटा, इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। वहां कभी ऐसा नहीं था कि मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर फुली पेड अप। मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटीज पीएम से भी हम बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं, बोनस कॉल नहीं, बोनस कॉल नहीं होगी भाई। आई बात समझ में? तो प्लीज कौन कौन रोकता है बताना जरा। सेक्शन 55 रोकता है, कहता है कि भाई सीआरआर का सिर्फ क्या यूज? एक यूज, सिर्फ एक यूज, क्या बेटा? बोनस शेयर। और वहीं अगर बात करें किसकी, सिक्योरिटीज प्रीमियम की, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के वैसे पांच यूजेस हैं, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पढ़ा हुआ है सब आपने पीछे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और एक यूज ये भी था, इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स। तो मतलब क्या हुआ कि भाई इससे बोनस शेयर तो दिया सकता है, बट बोनस कॉल नहीं दिया सकती। गेट योर पॉइंट? हाँ बोलो। yes, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें तो प्लीज आइए अब देखते हैं क्या 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 रिजर्व यूज हो सकते हैं। बोनस शेयर की बात करते हैं पहले। बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है सीआरआर, हाँ जी। बोनस कॉल के लिए नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होता है बोनस शेयर के लिए, हाँ जी। बोनस कॉल के लिए नहीं। जनरल रिजर्व बोनस शेयर्स के लिए भी, बोनस कॉल के लिए भी। अच्छा पीएनएल बोनस शेयर्स के लिए भी और बोनस कॉल के लिए भी, पक्का जी। और जनरल पीएनएल तो पता है कैसे हैं? कहते हैं हम मंदिर की घंटी हैं, कोई भी आओ पूरे कंपनी सेट में कोई भी बजाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं भी ले जाओ हमें, कोई दिक्कत नहीं हो। सही बात है, फाइन। फ्री रिजर्व बेटा, उन्हें फ्री रिजर्व कहते हैं।
अच्छा मजे की एक बात बताता हूं आपको, बात आती है कैपलेजर की, किसकी बेटा? तो कैपलेजर का यूज भी दोनों जगह हो सकता है बच्चे, फाइन, बट ध्यान रखना बेटा जो भी रिजर्व की हमने बात की है बच्चे, जो भी फ्री रिजर्व की हमने बात की है, या फिर जो हम कैपलेजर की बात कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटीज भी हमने बात की, ये तभी यूज हो पाएंगे जब ये रियलाइज हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रियलाइज रिजर्व यूज हो सकते हैं, किसके लिए? बोनस इश्यू के लिए, अनरियलाइज्ड रिजर्व यूज नहीं हो सकते। सर व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज्ड रिजर्व? देखो बेटा सर मैं कहता हूं बेटा, आज से ना 10 साल पहले हमने क्या की थी बेटा, कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की थी बेटा, उसकी वैल्यू थी कितनी? लेट से बेटा 10 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ, आज उसकी फेयर वैल्यू जो है बेटा प्लीज लेट से 50 लाख है, तो हमने क्या किया बेटा, इसको ना अपवर्ड रिवैल्यू किया, कितने से बेटा? 40 लाख से। जब इसको 40 लाख से अपवर्ड रिवैल्यू करोगे तभी तो वो 50 की बनेगी। हाँ बोलिए। तो आप ना एंट्री पता क्या करते हो, आप कहते हो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40 लाख टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, कितने से बचे? इससे होता क्या है बेटा, इससे होता यह है कि जहां एक तरफ ये 40 लाख से बढ़ता है बोलो हां, वहीं दूसरी तरफ यहां भी रिवॉल्यूशन रिजर्व आ जाता है बेटे, कितने से बच्चे? 40 लाख से। हाँ बोल दीजिए। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गई है, क्या मेरी जेब में पैसा है? आया जेब में पैसा अच्छे? बोलो। मेरे पापा ने, हम फरीदाबाद में रहते हैं बेटा एक्चुअली, मेरे पापा ने बेटे क्या 6000 का एक प्लॉट लिया था बेटे 50 गज का 1984 में, आज उसकी वैल्यू 20, हमने घमंड नहीं किया मगर कभी, ठीक है, उसकी वैल्यू 20 लाख है बच्चे, आज 20 लाख रुपए उसकी वैल्यू बेटा। तो खुद सोचो क्या पापा की जेब में पैसे आ गए होंगे बेटे 19,94,000? बोलो, ऑब्वियसली बात है नहीं नहीं आएंगे। ये गेन कैसा है, रियलाइज है अनरियलाइज है? जल्दी बोलो। तो आप बताइए बेटे ये रिवॉल्यूशन रिजर्व कैसा है, रियलाइज है अनरियलाइज है? और आपका कंपनी सेट ये कहता है कि भाई आप रियलाइज वाला यूज कर सकते हो, तो दिल पर हाथ के बताइए बेटे प्लीज, क्या यूज हो पाएगा बोनस के लिए? तो कल को अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि रिवॉल्यूशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, तो बात समझ में आती है? सिर्फ कौन से यूज हो सकते हैं जो रियलाइज्ड हो, कौन से हो बेटा? रियलाइज्ड। हाँ बोल दीजिए। पक्का चलें? गुड बेटा, आइए। सर सर मैंने कहा, हाँ बोलो। सर मान लो को रिजर्व दिया हो हमें, और फिर ये ना बताया कि उसमें से कितना रियलाइज है कितना रियलाइज है, जिसमें हमारा फायदा वही हमारा कायदा, सिंपल सी बात, सारा मान लेंगे, सारा का सारा रियलाइज्ड है, सारा का सारा कैसे बच्चे? रियलाइज्ड है, सारा यूज होता है, या तो बताओ भाई, नहीं बताओगे तो हम तो वही बेटे फ्री का चंदन घिसमें नंदन, सही बात है जी, आई बात समझे? बिल्कुल यूज करेंगे उसका हम, पढ़ो जी आराम से। देखो बेटे क्या कहते हैं जी, सोर्स ऑफ बोनस इशू, सोर्स समझते ना, जैसे कहते हैं कि गाय हमें दूध देती है तो गाय इज अ सोर्स ऑफ मिल्क, राइट? तो बोनस कहां से दिया जा सकता है बच्चे? फाइन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ बोनस इश्यू बेटा? तो बोनस कहां कहां से दिया जा सकता है, आइए देखते हैं भाई। बेटा आपको मेरी बात तो समझ में आ रही है ना, या मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं? हाँ, एक लड़का, आप बोलो एक लड़का आया था फैजाबाद से, पौने दो घंटे सेल्फ स्टडी करके चला गया, ये चिढ़ रही मेरी फिटनेस से। हाँ, बोनस कहां कहां से दिया जा सकता है? आ जाओ बेटे वापिस आ जाओ जी। बोनस कॉल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बोनस कॉल के लिए बेटा आप जनरल रिजर्व, और दूसरा क्या बोला बच्चा आपने? सरप्लस, यानी कि पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, राइट? आपको पता होगा पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है जी, सही बात है जी। तो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व, यानी कि इनका यूज कर सकते हैं बोनस कॉल के लिए। बोनस शेयर के लिए आप सीआरआर का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, सेक्शन 55 इसकी परमिशन देता है, और इसका एक ही यूज है, जैसे कहते ना सिर्फ तुम, तो सीआरआर देख के बोला किससे बोनस शेयर से, कि सिर्फ तुम, सही बात, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं भाई। चलो सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 इसकी परमिशन देता है बेटा, ये कहते हैं सिर्फ 5, सही बात है। हाँ, सिक्योरिटीज उनके 5 यूज है ना, तो उसमें से एक यूज किया बेटा बोनस शेयर से इशू करना, राइट? आगे चलो बेटे, मैं मौका दूंगा लिखने का, अभी समझने में फोकस करो। जनरल रिजर्व यहां भी यूज होते हैं, यहां भी, और यहां भी यूज होते हैं, और यहां भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर की बात जितेंद्र के साथ, देखो क्या कहते हैं बेटा पढ़ना। हाँ सुने 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 प्लीज, फ्री रिजर्व क्या कहते हैं हमसे, प्लीज पढ़ेगा। फ्री रिजर्व हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, फ्री रिजर्व हमसे कह रहे हैं, हाँ पढ़ो पढ़ो। फ्री रिजर्व कहते हैं
ले चल जहां तेरी मर्जी है, तेरा है काम। मतलब पूरे कंपनीज एक्ट में हमें कहीं भी ले चलो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, ये गाने की लाइन है। फाइन जी, उसमें बोलता है कि जाना कहाँ है जा, बताओ शहर का नाम। तो वो लेडी बोलती है ले चल जहां तेरी मर्जी है, तेरा है काम। बिल्कुल, फिर कहते हैं हमें कहीं भी ले चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। सही बात है। अच्छा बस बस बस, आ जाओ। आपको तो नहीं पता होगा, आपके मॉम डैड के जमाने का गाना है ये, गाना सुन लीजिए कौन सा है। उसमें ये लाइन है, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। सही बात है। हाँ, पंकज सर से पूछा, पंकज सर बताएंगे आपको। हाँ चलो आइए, वापिस आइए बेटा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड बेटा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का आप यूज कर सकते हैं बेटा। कैसे? कैन बी यूज्ड ओनली फॉर, कैसे बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ, बेटा प्लीज माइंड द वर्ड्स, क्या बोला है बेटा? ओनली फॉर, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा? बोनस शेयर्स के लिए। यू कैन नॉट इश्यू, यू कैन नॉट मेक बोनस कॉल आउट ऑफ इट, राइट? चलिए बेटा, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोनस कॉल। अच्छा पढ़िए बेटा क्या कहते हैं। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं किसके लिए बेटा? बोनस शेयर्स के लिए। हेंस मुर्गियां, बोनस कॉल कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ, यानी कि बोनस कॉल के लिए यूज नहीं कर सकते भाई आप, सिर्फ किसके लिए बेटा? बोनस शेयर्स के लिए। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये बात मैंने घर पे नहीं लिखी, आपने कहीं सोचो कल रात बना के लाया होगा। नहीं, कंपनीज एक्ट सेक्शन 52, कंपनीज एक्ट सेक्शन 55। चले, अच्छा आप ये लॉ में याद रखिएगा, यहां मत याद रखें, यहां पर तो हमें मुनीमगिरी करनी है बेटा, अकाउंटिंग करनी है हमें, राइट? आइए। हाँ मतलब वही, हाँ डेबिट क्रेडिट। पढ़िए बेटी क्या बोलते हैं। रिवॉल्यूशन रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व कैन नॉट बी, हाँ जी पढ़े, रिवॉल्यूशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ जी, रिवॉल्यूशन क्यों नहीं करते बेटे बताना? बिकॉज इट इज नॉट रियलाइज इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये कैश में रियलाइज नहीं है। अच्छा कुछ ना बोले रिजर्व के बारे में, कितना रियलाइज है कितना रियलाइज नहीं है, तो क्या मानोगे? सारा रियलाइज है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा बेटे, क्या कि बता दूं? अच्छा सुनो, हमारा ना, हमारे भारतवर्ष में आपको दो प्रकार की कंपनीज मिलेंगी बेटा इन जनरल, एक लिस्टेड एंटिटीज, अनलिस्टेड नहीं बेटा, नॉन लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है ना? हाँ ध्यान सुना, लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर ना डंडा होता है बेटे, किसका बच्चे? कंपनीज एक्ट का भी और सेबी का भी बच्चे, पढ़े लिखे लगते हो आप भी। हाँ किसका बेटे? कंपनीज एक्ट का भी और सेबी का भी। और जो जो नॉन लिस्टेड एंटिटीज होती है उनके ऊपर डंडा होता है सिर्फ और सिर्फ किसका? कंपनीज एक्ट का। अब सुनना ध्यान से मजेदार बात बेटे, क्या सेबी पता है क्या कहता है? सेबी कहता है कि भाई सुनो, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है अगर यूज करिए कौन सी कंपनी? लिस्टेड, लिस्टेड के बारे में बोल सकता है वो, कहे तभी यूज करोगे जब कैसा है? रियलाइज इन कैश है, अगर अनरियलाइज है तो उसे आप यूज नहीं कर सकते। कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। पक्का? अच्छा कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ नहीं कहता बेटा, कंपनीज एक्ट चुप है बच्चे, वो कहते हैं रिवॉल्यूशन रिजर्व यूज मत करना बस, बाकी हम कुछ नहीं कह रहे बच्चे। तो बस आप एक बात ध्यान रखें कि अगर मेरे पास, ये मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, हालांकि आपके लिए तो चीजें आसान है, अगर मेरे पास कोई कंपनी का क्वेश्चन आया है बच्चे और वो लिस्टेड एंटिटीज है, लिस्टेड कंपनी है, तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को तभी यूज कर पाऊंगा बोनस के लिए जब वो कैसा हो? रियलाइज इन कैश हो। सही बात है। और अगर नॉर्मल कंपनी है बेटा तो चाहे हम रिलाइज हो या रिलाइज ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मुद्दे की बात ये कि एग्जाम में क्वेश्चन पता कैसा आता है, एक्स वाई जेड इज अ लिमिटेड कंपनी, बस वो बोलते हैं कि लिस्टेड अनलिस्टेड है, हम स्वयं मान के चलेंगे कि वो लिस्टेड ही है। और अगर लिस्टेड ही है तो सिर्फ कौन सा यूज कर पाओगे? जो रिलाइज इन कैश है। सही बात है। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना कई बार क्या आता है बेटा, डिफरेंस आता है इस बात को लेकर कि बच्चे कहते हैं कि हमने तो ये पढ़ा था कि सिक्योरिटीज में सिर्फ कैश वाला यूज होता है। यस, लिस्टेड कंपनी केस में, जो नॉन लिस्टेड कंपनी है वहां पर अगर साफ साफ मेंशन कि नॉन लिस्टेड है तो कोई सा भी सिक्योरिटी सिस्टम यूज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का? बट रिवॉल्यूशन रिजर्व कभी यूज नहीं हो पाएगा बेटा क्योंकि इट इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। चलूं, कोई डाउट? अगला पॉइंट यही है बेटा, पढ़ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर रियलाइज इन कैश है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मौज जाए बेटा, चाहे आप लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, कोई भी हो बेटा यूज करो। अगर नॉट रियलाइज इन कैश है, पढ़ना बेटा, अगर नॉट रियलाइज इन कैश है, लिस्टेड कंपनी कैन नॉट यूज अनरियलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर बोनस शेयर्स बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइन। सही बात है जी।
स्ट्रिक्ट हैं थोड़ी सी सेबी गाइडलाइंस, क्या बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। और कह रहे कि अगर रियलाइजिंग कैश है बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज कैन यूज इट फॉर बोनस शेयर्स, कोई दिक्कत परेशानी पक्का। और वो बात जो आपको पहले से पता थी बेटा, क्या इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है बेटा किसके बारे में, अबाउट द रिजर्व, कि रिजर्व के बारे में कुछ बताया नहीं कि भाई ये रियलाइज है अनरियलाइज है, क्या मानोगे जी। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट अ पर्टिकुलर रिजर्व वी विल ऑलवेज अज्यूम इट इज क्या बच्चे, रियलाइज इन कैश, ये कैश में रियलाइज है, कोई दिक्कत कोई परेशानी पक्का चले आसान है, बोलो बहुत बहुत सही बात है चले गुड बेटा। आइए आइए जलेंटी पे चलने से पहले मैं चाहूंगा इसे फटाफट से आप नोट कीजिए, फिर मैं जलेंटी, दो मिनट का मौन बेचारे उन बच्चों के लिए जो आज एबसेंट है। हाँ हैं वैसे बच्चे एबसेंट, यहां तक कर लिया था हमने, हाँ बोलो बेटे जोश में कमी नहीं बेटे, 1 घंटे 45 में पढ़ना है तो मैं सर हो तुम बिल्कुल आंख का गोला। हाँ आपको प्रॉमिस करता हूं ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं, दिन में दिया लेके ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलेंगे। हाँ दिन में, हाँ दिन में, रात को तो दिया लेके ढूंढते हैं लोग, रात को घूमोगे तब भी नहीं मिलेंगे ऐसे। बेटा आप नोट क्यों नहीं कर रहे, हड़ताल पे हो? अच्छा करो, क्या कहीं और भी पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, ऐसा बार बार बोल के ना आप मुझे ऐसे गिल्ट फील कर रहे हो, पुअर है पुअर है, गलत बात बेटे ऐसे बोलो, मैं थोड़ी गरीब हूँ अकाउंट्स के मामले में। फोन फिर देखो, फिर निकाल लिया अपने फोन जे, मेरे को उस फोन को फोन नहीं होना चाहिए किसी के पास, ठीक है, फोन होना चाहिए कहाँ, बैग की जेब में। बेटे शर्माना मत हिंदी लिखने में, ठीक है ना, और घर जाके जोर जोर से नहीं पढ़ना ऐसे, अंदर की बात, अंदर की बात, हाँ धीरे से। नहीं हुआ ओ जल्दी, अभी मेरी क्लास के बाद भी आपकी क्लास है, अच्छा तो फ्री रिजर्व के यूज करने पे बेटा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यूज कीजिए उसे जहां चाहे वहां। ये समझ में आया बेटे यहां तक पक्का गुड।
डन। बेटे एक ही बार नोट करना है बस, हो गया। बेटे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो रियलाइज है कैश में, इट कैन बी यूज बाय लिस्टेड कंपनी एज वेल एज नॉन लिस्टेड कंपनी, दोनों यूज कर सकती है इसे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा, बट बोनस के पर्पज से। बट वहीं अगर हम बात करें, अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है फाइन, तो उसको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो रिलायज हो सिक्योरिटी फर्म, चाहे रिलायज ना हो, वो आराम से सिक्योरिटी फर्म को बोनस के पर्पज के लिए यूज कर सकती है। ये बात यहां लिखी हुई है कि रियलाइज इन कैश कैन बी यूज बाय बोथ द कंपनी, और इफ नॉट रियलाइज इन कैश लिस्टेड कंपनी कैन नॉट यूज, लिस्टेड कंपनी यूज नहीं कर सकती बच्चे। मतलब कहने का यह है कि वो कंपनी जिनके ऊपर सेबी का डंडा है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम वो वाला जो अनरियलाइज है यूज नहीं कर सकती बोनस के पर्पज से, राइट? ये बोला गया है। हाँ जी, सेबी गाइडलाइंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो रियलाइज इन कैश है सिर्फ वही यूज करोगे, जो नॉट रियलाइज है वो नहीं कर पाओगे, वो कैसा भी यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर बोनस शेयर्स के लिए, बोनस कॉल के लिए नहीं, पता ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड। चलो भाई, जल्दी एंट्री वेट कर रही है आपका, फटाफट चाहिए। चलें, आइए बेटा मेरे साथ दीजिए बेटा, मुझे आपका सहयोग चाहिए सबका। अब दो मिनट ना आराम से बैठो बेटा, हाँ सोना नहीं है बस, खैर सोने में दूंगा भी नहीं आपको। उन्होंने चैलेंज स्वीकार तो नहीं कर लिया कहीं? हिलाओ इनको बेटा, सब इनको नहीं, इनको पढ़ो। हाँ अच्छा, लिख रहे हो, चले भाई डन, आ जाओ मेरे साथ, सांसें थाम के बैठो बेटा। अब जल एंट्री करने जा रहे हैं बेटा हम, फाइन। मुझे एक बात बताइए बेटा, पूरी अकाउंटिंग में ना जब भी कभी जल एंट्री की बात आएगी, जल एंट्री आएगी बार बार बेटा, बार बार आएगी बच्चे, तो जब भी कभी जल एंट्री की बात आएगी एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, क्या कि पांच ही आइटम है पूरी बैलेंस शीट में, पूरी अकाउंट में सिर्फ पांच आइटम, कौन कौन से? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल। पढ़ रहे हो आप कहीं और अकाउंट सब बता नहीं रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो पता कैसे आपको पांचों आइटम? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, सही बात है जी, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, दीज आर द फाइव आइटम्स। और इस पर क्या नियम अप्लाई होते हैं ध्यान सुनना बच्चे, फाइन। मैं कुछ महामंत्र लिख रहा हूं जनरल का बेटा, आपको इसे हर जगह फॉलो करना है बेटा, हर जगह मतलब हर जगह, जहां भी अकाउंट्स की बात हो, चाहे आप यूके में हो, यूएस में हो, या फिर यहीं पंखा रोड पे हो, पंखा रोड ही नहीं चेक कर रहा हूं, मुझे लेके भी जाना है आज। हाँ बेटे गर्मी आ गई ना, अब ये देखिए, देखो बेटे मैंने कहा राइटिंग थोड़ी गंदी, बेटे मैनेज कीजिएगा। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, सही बात है। यहां बेटे लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड गेन्स, इसे प्यार से बोलते हैं एल आई सी,
ठीक है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। फाइन, सुनिए ध्यान से क्या कहते हैं बेटे, यही पांच बातें हैं, इसके ऊपर कोई बात है नहीं अकाउंट्स बेटे, सारी बातें इर्द-गिर्द घूमती है इसी के बच्चे। फाइन, क्या है, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं बच्चे, तो आप पाएंगे इनमें हलचल होगी बेटा। किस किस में? असेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, इनकम में, एक्सपेंस में, हलचल होगी। तो हलचल होगी या तो ये बढ़ेंगे या ये कम होंगे, या ये बढ़ेंगे या ये कम होंगे। असेट और एक्सपेंस बेटा एक बिरादरी के हैं, और लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल बेटा आपकी एक बिरादरी के हैं। फाइन, क्या है वो बिरादरी, ध्यान सुनिएगा बेटा। असेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। और कम होते हैं तो क्या होते हैं? असेट और एक्सपेंसेस बढ़ने पे क्या होंगे आपके? डेबिट। कम होने पे क्या होंगे बच्चे? क्रेडिट। वहीं लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल बढ़ने पे क्या होगी बच्चे? और कम होने पे? डेबिट। हाँ बोल दो। बस इसी का ध्यान रखना बेटा आपको, कि असेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं क्रेडिट। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट। सही बात है। और घर में जहां आपकी टेबल है ना, स्टडी टेबल है, पर मैं तो खैर चटाई पे बैठ के पढ़ता हूँ। फाइन, हाँ, तो जहां भी है वहां से चिपका लीजिए ताकि ध्यान रहे बेटा आपको। फाइन, मैंने टैटू बनवाया था वो मिट गया एक्चुअली, ठीक, हाँ, परमानेंट था ना इसलिए। तो ध्यान रहे इस बात का बेटा कि जो भी आपके पास आइटम आपको दिए बेटा, प्लीज इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे सब कुछ बच्चे। फाइन, बिल्कुल ध्यान से सुने आप दिल पर हाथ, एक बात बताइए, आपने बोला मैं पहले बोनस शेयर की बात कर रहा हूँ, बोनस शेयर की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं दिल पर हाथ, बच्चा खुजली नहीं करनी भाई, दिल पर हाथ रखना यहाँ पे। फाइन, मुझे बताइए प्लीज, आपने बताया कि आप रिजर्व्स को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। रिजर्व बैलेंस शीट में कहां मिलते हैं आपको? असेट साइड, लायबिलिटी साइड। रिजर्व बैलेंस शीट में कहां मिलेंगे आपको? असेट साइड, लायबिलिटी साइड। रिजर्व मिलेंगे बेटा बैलेंस शीट में आपको किस साइड? लायबिलिटी साइड। आप रिजर्व्स को कह रहे हैं कि रिजर्व्स तुम्हें जाना होगा, कैपिटल को बढ़ाना होगा। बोलो, है ना, रिजर्व जाएंगे। सोचिए बेटा, रिजर्व जाएंगे। अब बोनस शेयर की बात कर रहा हूं आपसे, रिजर्व जाएंगे। लायबिलिटी साइड का आइटम है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या होगी? तो रिजर्व डेबिट होंगे। मैं बोनस शेयर की बात कर रहा हूं, तो आप बोनस शेयर के लिए कौन कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं बताना जरा एक बार। सबसे पहले CRR, फिर SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा, फिर जनरल रिजर्व, एंड देन PL, यूज कर सकते हैं। बोलो, हाँ, तो आइए यूज करते हैं बच्चे, उनको यूज करेंगे। वो लायबिलिटी साइड का आइटम है, लायबिलिटी साइड का आइटम कम होगा तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? डेबिट। तो एंटी बताइए क्या बनेगी बेटा? एंड, फिर देखो जनरल रिजर्व, हाँ, लाइन से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बोलो, हाँ जी, आपने उसका यूज किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, SPR नहीं बोलते बेटा, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम ही बोला जाता है बच्चे, ठीक है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। बोलो, हाँ, इसके बाद बेटे क्या? जनरल रिजर्व डेबिट, PNL डेबिट। अच्छा, तो खुश हो ध्यान से प्लीज। पहले पहले आप क्या करते हैं? बोनस अनाउंस करते हैं बेटे। क्या करते हैं? बोनस, कि कंपनी कहती है कि हम बोनस इश्यू करना चाह रहे हैं, हम बोनस शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं, तो प्लीज ये डेबिट टू इश्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? फाइन, तो क्या कहेंगे आप बेटे? अभी लिखना नहीं है बेटे, लिखा हुआ है सब कुछ बच्चे, आराम से समझिए बस। बींग बोनस इश्यू ऑफ किसका बेटा? शेयर्स का, अनाउंस्ड। क्या हुआ बेटे? अनाउंस्ड। अब सूनर और लेटर क्या मैं कहता हूं, आप क्या करेंगे बेटा? ये अभी तो आपने तैयारी कर ली कि रिजर्व्स जा रहे हैं, आपने तैयारी कर ली बेटा। अब सूनर और लेटर आप क्या करेंगे बेटे? बोनस शेयर इशू करेंगे। और जब आप बोनस शेयर इशू करेंगे, फील कीजिएगा प्लीज, जब बोनस शेयर इशू करेंगे, हेलो, जब बोनस शेयर इशू करेंगे, शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल घटेगी बढ़ेगी? शेयर कैपिटल क्या होगी? बड़ी। शेयर कैपिटल बढ़ती है तो, बोलो बेटा प्लीज, शेयर कैपिटल बढ़ती है तो, जल्दी बोलो, शेयर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। बोलो, हाँ ना, तो हमारी एंट्री पता क्या बनेगी बच्चे? हाँ, बोनस इशू, ये पैदा हुआ था बेटे, बोलो, हाँ, जब ये पैदा हुआ तो क्रेडिट हुआ था, बोलो, हाँ जी। अब जब ये जब पैदा हुआ था बेटे, इसका जन्म हुआ बेटे, पैदा हुआ था क्रेडिट हुआ था, बोलो, हाँ हाँ बोलो। अब जब ये मरेगा तो क्या होगा बच्चे? जब मरेगा तो क्या होगा? जल्दी बोलो फटाफट से बेटा। हाँ, हंसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताते भी रहो बेटे, क्या होगा बच्चे? डेबिट। हमने कहा बोनस इशू, तुम्हें जाना होगा बेटा, ये मर रहा है बेटे, अब राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, मरा, ठीक है, मरा बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, शेयर्स इशू किए हैं आपने बेटा, शेयर कैपिटल बढ़ेगी? बोलो, हाँ, शेयर कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है?
क्रेडिट, शेयर कैपिटल बोलो, कैपिटल बढ़ती क्या होती है? क्रेडिट, तो आपकी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट हो जाएगी। हाँ बोल दो, टू, ओहो गलत पेन, टू इक्विटी शेयर अकाउंट, बोलो। हाँ अच्छा, एक बात और बोलना चाहूंगा ऐसी मजे में बच्चे, प्लीज पहले नरेशन बताओ इसकी, बींग बोनस शेयर्स क्या हो गया बेटा? मैं क्या कह रहा हूं भाई, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोचिंग की आवश्यकता है ही नहीं एक्चुअली। हाँ जी, मतलब जिस हिसाब से बता रहे हो, आपने बताया कि अकाउंट से पांच आइटम होते हैं, असेट लायबिलिटीज कैपिटल इनकम एक्सपेंस, आधी बात तो आपने बताई मुझे। हाँ बस बस, अभी बात सुनो ध्यान से, बताना बात लॉजिकल है लॉजिकल है। बच्चे पता क्या बोलते हैं कि सर इक्विटी वालों को देते हैं क्या बोनस, प्रेफरेंस वालों को नहीं दे सकते क्या? बेटे बात ध्यान सुना, घर वाले कौन है? इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले, भाई प्रेफरेंस वाले तो नालायक एक फिक्स रेट से डिविडेंड लेके चले जाएंगे बच्चे, बाकी घर वाले कौन? इक्विटी वाले। तो रिजर्व एंड सरप्लस पे किसका हक है? तो प्लीज बोनस पे भी किसका हक है? इक्विटी वाले का। सही बात है, हाँ बोलो, बात ही खत्म हो जाती है, सोचना ही नहीं भाई, पक्का। तो बोनस जो शेयर आप इशू करेंगे या फिर बोनस कॉल आप जो देंगे किसको देंगे बच्चे? हम मान लेंगे प्रेफरेंस वाले तुम अपने हो, मगर ज्यादा अपने कौन है? इक्विटी वाले, घर वाले हैं वो हमारे। सही बात है, हाँ बोलो पक्का। बेटे सीधे बैठिए, सब ठीक ठाक तो है? चलिए आइए, लो जी लो, लो जी लो। अरे मैंने एक चीज तो दिखाई नहीं आपको। हाँ सर दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ इन दोनों एंट्री को ना कंबाइंड करो बेटा, कंबाइंड करो बेटा। बोनस इशू क्रेडिट हुआ था, बोनस इशू डेबिट हो गया, बोलो। हाँ रिजर्व्स गए, बोलो रिजर्व्स, थोड़ा जोर लाके बोलो बेटा, रिजर्व्स। हाँ कहां समा गए बेटा? ओके, कैपिटल घटी या बढ़ी? बढ़ी। तो क्या मैं ना कहता था आपसे कि बेटे देखना कि रिजर्व्स जाएंगे और किस में समा जाएंगे बेटा? कैपिटल में समा जाएंगे। समा गए नहीं समा गए? हाँ बोल दो जी, रिजर्व गए और कहां समा गए बेटा? कैपिटल में समा गए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन इश्यू। ओके हाँ बोलो जी। देखो बेटा मजा ना आए तो बताना बेटा, जल नहीं आ रहा है वैसे मजा आप लोगों को? yes, मजा लेने आए आप? देखो इधर नालायक, प्लीज जनरल एंट्रीज पढ़ना बेटा फॉर बोनस शेयर्स। आओ बेटा आओ, प्लीज वापस आओ बेटा, रो मत, कोई मजाक कर रहा था मैं हाथों के। नालायक तो मैं ऐसे बोलता रहूंगा आपसे, रोने का नहीं। फॉर बोनस शेयर्स ऑन अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू, ऑन अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू आपने कहा बेटे सीआरआर सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल पीएल डेबिट टू बोनस इशू, बीइंग बोनस इशू ऑफ शेयर्स अनाउंस्ड, और जब बोनस शेयर आपने इशू किए तो बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आई एम क्लियर। हाँ बोल दीजिए पक्का। अब एक बात पता है मैं क्या बोलना चाहूंगा आपसे, अब ऐसे ना काटा पीटी मत करना, आपको आपका दिल जानता है कि हाँ हो तो कुछ ऐसे ही रहा है, ये ना नालायक यहाँ घुस जा रहे हैं बार बार। सही बात है, हो यही रहा है बच्चे, फाइन, बट करना मत ऐसा यहाँ पे। अब एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूंगा ऐसी मजे मजे में कि व्हाई आई एम सेइंग कि पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज करो। ध्यान से सुना बेटा, मेरे पास ना कुछ करेंसी नोट्स हैं, फाइन मान लीजिए मेरे पास कोई करेंसी है, फाइन कोई मुद्रा है मेरे पास, ठीक है ना, और मेरे पास दो बाजार हैं, एक बाजार है एक्स और एक बाजार है वाई। सही बात है, ये जो करेंसी मेरे पास है बच्चे ये सिर्फ दो करेंसी है, तो दूसरी करेंसी कहां? ये बेटे परसों सैलरी मिली थी, यही बचे हैं बस। हाँ सुनो यहां से, दो करेंसी मेरे पास, इशू भाई दिखाओ यार। हाँ दो करेंसी मेरे पास, क्या बोला बच्चे मैंने? एक ये, वो तो बाजार है एक्स और वाई, एक करेंसी ये है और एक करेंसी है, ये ना एक्स बाजार में भी चल सकती है वाई में भी चल सकती है, फाइव ये वाली करेंसी बच्चे, बट ये जो करेंसी है ये सिर्फ एक्स में चलेगी, फाइन। तो कुछ सोचो, आप अभी एक्स बाजार में ही हो तो पहले कौन सी करेंसी यूज करोगे? जो सिर्फ एक्स में चल सकती है वही तो यूज करोगे? हाँ बोल दो। तो प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं कि सीआरआर से आप बोनस शेयर तो दे सकते हो, बोनस कॉल नहीं, और बात अभी बोनस शेयर की चल रही है, तो पहले क्या यूज करोगे? जनरेटर। भाई जनरेटर कहते हैं हम तो कहीं भी यूज हो सकते हैं, हमें तो बाद में यूज कर लेना, हमें तो बाद में यूज कर लेना, तो पहले आप बोनस शेयर के लिए किसको यूज करेंगे बोलो? क्योंकि अगर ध्यान सुनना मजेदार बात, अगर आपने जनरेटर पीएल का यूज पहले किसके लिए कर लिया?
बोनस शेयर के लिए कर लिया और आपने अपने सीआरआर को बचा के रखा, बेचारा सीआरआर बोनस कॉल के काम तो नहीं आ पाएगा, सिक्योरिटी पीएम भी नहीं आ पाएगा काम, आई बात समझ में? तो इसलिए बोनस शेयर्स के लिए, जब तक क्वेश्चन कुछ और ना कहे आपसे हाथ पकड़ के कि नहीं नहीं भाई ऐसा करना है, जब तक क्वेश्चन कुछ और ना बोले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बोनस शेयर के लिए यूज करेंगे किसको बेटा, सबसे पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटी पीएम, फिर जर्नलिज्म एंड देन पीएनएल। अब मजे लूंगा एक आपसे, बोलो हाँ सर, लो बोलो हाँ। सुने, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मुझसे ये कहता है, बेटे देखें, अगर क्वेश्चन मुझसे ये कहता है कि यूज फ्री रिजर्व टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, क्वेश्चन ने बोला है कि फ्री रिजर्व को यूज करो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तो सबसे पहले किसको यूज करोगे, जनरल रिजर्व को और पीएनएल को, हाँ बोलो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया ना भाई, और क्वेश्चन के आगे हमारी कुछ नहीं चलेगी बच्चे, जल में रह के मगरमच्छ से बैर ना बना, सही बात है। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि यूज फ्री रिजर्व टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, इट सिंपली मींस यू हैव टू यूज फ्री रिजर्व फर्स्ट, राइट। और क्वेश्चन ने थोड़ा सा शब्द बदला तो फिर दिक्कत बच्चे, क्या, अगर क्वेश्चन कहता है कि यूज फ्री रिजर्व टू द लीस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, लीस्ट पॉसिबल एक्सटेंट अगर बोला है बच्चे, दिल पे हाथ के बताइए क्या मतलब इसका, कि आपको सबसे लास्ट में यूज करने बेटे क्या, फ्री रिजर्व, हाँ बोलो, इतनी अंग्रेजी तो आती है हमें, बोलो हाँ ना जी। आइए बेटा संभाल लो बेटे, पूरा महीना चलाना है अभी, इधर देखो, ये बात समझ में यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता हो कि हमें समझ में कैसे आ गई, कौन था ये तो मैंने भी देखा चलो चले, आइए बेटा, हाँ इंसान का गुड। अब आइए बेटा आगे बच्चे, प्लीज मेरी तो देखें, मैंने बोनस किसकी बात बताई आपको, बोनस शेयर की, अब बात करते हैं बेटे किसकी, बोनस कॉल की, फाइन, बोनस कॉल की बात करें, ध्यान सुनना बेटा, या पहले ना आप इसे नोट कीजिए बेटा, समय बर्बाद नहीं करते, पहले इसे नोट कीजिए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी फटाफट कीजिए बेटा, हैंड आउट मिल गया आप सब लोगों को, फर्रे मिल चुके हैं आप सब लोगों को, फिर ठीक, मेरी तरह हो आप लोग भी, डन, चलें आइए बड़े क्वेश्चन देखते हैं, बोनस कॉल नेक्स्ट क्लास पर करेंगे बच्चे, फाइन, एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जल्दी कीजिए फटाफट से, डन है, आइए।
क्वेश्चन नंबर थ्री पर आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री, पढ़ना बेटा क्या कहते हैं, फॉलोइंग आइटम्स अपियर इन द ट्रायल बैलेंस, क्या कहते हैं बेटा, फॉलोइंग आइटम्स अपियर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, बेटा आपके निम्नलिखित आइटम्स अपियर हो रहे हैं किसके ट्रायल बैलेंस में, भारत लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी, लो बेटे साफ साफ बोला है लिस्टेड कंपनी, तो कौन सा वाला सिक्योरिटीज में यूज हो पाएगा, जो रियलाइज्ड है बेटे, ठीक है बच्चे, फाइन, चले रिया बात समझ में आती है, लिस्टेड कंपनी है तो कौन सा वाला यूज हो पाएगा बेटा आपका, रियलाइज वाला, एज एट 31 मार्च 2012 को बेटा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, पढ़ेगा बेटा, 40,000 इक्विटी शेयर है, ऑफ रुपीस कितना ईच, 10 ईच, 4 लाख आ गया जी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिया बेटे कितने का आपको, 55,000 का जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है जी कलेक्टेड इन कैश 30,000, एंड देन आपसे कहता है बेटे क्या, जनरल रिजर्व कितने का, 1,05,000 का, और सरप्लस दिया है, कह रहे दैट इज क्रेडिट बैलेंस इन द पीएनएल अकाउंट, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है आगे चलो, चलो जी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या मैं कहता हूं, कलेक्टेड इन कैश है तो कोई डरने वाली बात ही नहीं बच्चे, यूज हो सकता है, आगे चलना, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इट्स इक्विटी शेयरहोल्डर बोनस शेयर्स, ये लो भाई आप बताना कितने के बदले कितने हो रहे हैं, एट द रेट ऑफ 1 share for every 4 share held, बताइए बेटे दिल पाते के बताइए, 1 share for every 4 share held, what does it mean actually, क्या मतलब है, 1 share for every 4, हर एक के बदले में 4, हर 4 के बदले में, पक्का आराम से, 1 share for every 4, तो for every 4 हर 4 के बदले कितना बच्चे, नहीं बात समझ में, पक्का जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना काके प्लीज, पक्का, तो हर 4 के बदले कितना बेटा, हर 4 के बदले 1, सो माय रेशियो इज 1:4, नहीं बात समझ में, पक्का बेटे मां का समय को झूठ बोलोगे तो प्लीज, पक्का ना जी, तो बेटे हाँ मतलब नंबर नहीं बनाने ना आपको मेरे सामने, छोटे भाई के सामने कैसे नंबर, 1 share for every 4 share held, and for this purpose, it decided that there should be, क्या बात बोली बेटा, there should be minimum reduction in free reserve, oh, free reserve में minimum reduction, तो आप बताइए बेटा, free reserve में minimum reduction का मतलब क्या हुआ, हाँ, कि सबसे पहले use कर डालो free reserve को, सबसे पहले, yes sir, सबसे पहले use होगा free reserve, क्या use होगा सबसे पहले, CRR, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल, फिर पीएनएल बेटा, उसने बोला ना मिनिमम रिडक्शन, बोलो हाँ, अच्छा अगर यही मिनिमम क्या हो जाता बेटा, मैक्सिमम हो जाता तो उस केस में क्या होता, सबसे पहले आप यूज करते बेटे किसको बच्चे, जनरल पीएनएल को, यस नो, अच्छा कहते पास नेसेसरी जनरल एंट्री, हमने कहा हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है, ठीक है आओ बेटे अपने जन्म को सार्थक करें और इस क्वेश्चन को पूर्ण करें बेटा, फटाफट से क्वेश्चन नंबर थ्री, ये सन्नाटा कैसा भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री कीजिए फटाफट से बेटा, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, टन 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 टन, अच्छा सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये तो जानो नालायकों कि बोनस का अमाउंट कितना है बेटा, बताना जरा एक बार कितना है, मैं ना आप पता है क्या कीजिए, 7-8 लाइन छोड़ दीजिए, वर्किंग नोट पे चलिए मेरे साथ, वर्किंग नोट नंबर 1, क्या बात है बेटे, क्या बात है बेटे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल, क्या आप मेरे साथ हो, बोलो ना हाँ हम आपके साथ, झूठे कोई सही हाँ बोल दो बेटा जी, मुझे बताइए बेटे प्लीज, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है हमारे, ओहो क्या खुल गए, 40,000 है बोलो हाँ, बोनस का रेशियो बताइए बेटा जल्दी बोलो बेटे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए बोलो, बोनस रेशियो कितना, 1:2, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने आएंगे बेटा, 1 लाख
मॉरिशियस ब्रिटिशियस 40,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, सही बात है। अच्छा यहां चालू मत हो जाना हर चार के बदले बोनस शेयर है बराबर एक फिर एक के बदले बराबर, ऐसा नहीं बेटा, सही बात है। वो घर के लिए था अपने बेटे समझने के लिए, अब बड़े हो चुके हो मैच्योर हो चुके हो, सही बात है, ये समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने हो गए, अच्छा जी 10,000 शेयर हो गए बेटे, बताइए अमाउंट कितना निकल कर आएगा, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल हाउ मच 1,00,000 ओके 10,000 गेट इट मल्टीप्लाई विद 10 कितना आता बेटा आपका 1,00,000 रुपीस का बेटा क्या आ गया आपका अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल आ गया। हमें क्लियर पक्का चलें तो बेटा आप बताइए बेटा अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल 1,00,000 का जुगाड़ करना है भाई, पैसा है क्या तुम्हारे पास, देखते हैं आइए बेटे देखते हैं। हाँ कैसे कैसे किसका यूज करें बेटे बताइए, सबसे पहले क्या होता हूँ CRR 55 का जुगाड़ तो हो गया बेटे, और कितना चाहिए 45 और चाहिए बेटा, सही बात है। हाँ बताइए बेटे किसका यूज कर 30 हाँ बोलो जी कल से कट भी हम कितना हो गया 85 भाई साफ साफ बोले मुझे घूर के बच्चे घूर रहे हैं कलेक्टेड इन कैश बोला तो है घूर कह रहे हो मुझे, सही बात है। इसके अलावा 85 के बाद 15 हम जनरल के पास गए हमने कहा पैसा है क्या, कह रहे बहुत छत पर सूख रहा है फाइन हमें हमने सिर्फ कितना चाहिए बेटा 15 चाहिए और फ्रीजर में पैसा पड़ा पता कितना फ्रीजर में पैसा पड़ा है 155 बोलो है ना नहीं ये बात समझ हमें चाहिए कितना 15 तो आइए बेटे काम करते हैं बच्चों फटाफट से एंट्री पर आ जाओ बेटे फटाफट से टेंटे टेने फटाफट से आओ बेटा करो एंट्री करो पहले एंट्री क्या पहले सीधा बोनस दे दोगे या पहले अनाउंस करोगे अनाउंस करेंगे बेटा एंट्री बताओ बेटे क्या बनेगी अरे वाह बेटे वाह ये बड़ी बात बताई आपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जी तड़का लगा दिया जीरे का एकदम बिल्कुल एंट्री पे कितने का बेटे बताना अकाउंट डेबिट बोल के अधूरा सा फील हो रहा था कुछ कितना आएगा बेटा बताइए 55 बोलो हाँ बेटा हाँ बोलिए इसके बाद किसका यूज करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं बोला इस बार आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना राजा 30,000 राइट अच्छा और बताओ बेटा जर्नलिज्म बेटे 1,05,000 पूरा लिख दो हाँ सर लिख दो सर भंडारा चल रहा है सर लिख दो बेटे चाहिए क्या आपको 1,05,000 कितना चाहिए आपको यूनिट 15,000 ओनली इजंट इट हाँ बोलो टू yes, क्या लिखूं बोगस इश्यू बोनस इश्यू ऐसे बेटे बोनस इश्यू हाउ मच 1,00,000 क्या लिखेंगे बेटा बताना बीइंग हाँ कई बच्चे तो नरेशन को भी याद कर रहे हैं बेटे कह रहे हैं एंट्री भी याद करनी है और नरेशन भी याद करनी है दो चीज याद करनी है बीइंग बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स अनाउंस्ड चलें बेटे याद करनी है आपको एंट्री कसम अगर आपने याद की तो बेटे हाँ आओ बेटे शेयर इश्यू करो फटाफट से करो फटाफट शेयर इश्यू करो बेटे कर भी दी क्या बात है बच्चे हो तो ऐसे बेटे बोनस इश्यू अकाउंट डेबिट हाउ मच 1,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बताओ आसान है नहीं है बीइंग बताओ बेटा बीइंग बोनस शेयर्स इश्यूड खत्म खानी बेटा अब मैं क्या बताऊं बेटे कुछ है इसे बताओ पढ़ाने लायक बोले तो शर्म सी और आ रही है कि बस हमने आपका समय बर्बाद किया बेटे चले अच्छा एक बात सुनिए ध्यान से बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है बच्चे अगर मुझसे क्वेश्चन बोला तो नहीं है अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है ऐसा ठीक है आइए सेवा करें थोड़ी सी हम क्वेश्चन बोलता कि ना रिवाइज बैलेंसेस बताइए क्या बैलेंसेस क्या क्या आएंगे बेटा तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं मेरे आप काटना मत बेटे ठीक है ना एक तो शेयर कैपिटल बढ़ गई है कितने से बेटा 1,00,000 से तो ये 40,000 नहीं होगा बेटा अब ये कोई बात नहीं माफ किया बेटा 1,00,000 से बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी बच्चे ये 5,00,000 होगी बोलो हाँ और आपको पता है कि पूरा का पूरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जा चुका है बोलो हाँ 55 खत्म ग्लास फिनिश चलें अच्छा और सिक्योरिटीज में भी पूरा का पूरा
खत्म, सही बात है। और जल्दी से भी पूरा का पूरा कितना 90 बचा हुआ है, बोलो है ना, 15 गया बेटा, और इसको तो हमने हाथ भी लगाया बेटा अभी, सही बात है, नहीं बात समझ में। और अगर आप थोड़ा परसीव कर पा रहे हो कुछ, दो मिनट बेटा, अगर आप कुछ देख पा रहे हो बेटा, 55 और 30, 85, 85 और 15, 1,00,000, वो यहां चले गए हैं, बोलो है ना, नहीं है बात समझ में, बोलिए बेटा। आप जनरल की जगह पीएनएल भी सकते हो बेटे, दोनों एकदम इंटरचेंजेबल बेटे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फ्री रिजर्व है। हम कह रहे हैं कि हमें कहीं भी ले जाओ। आपके दोस्त का एक डाउट है कि सर व्हाई डिडंट यू यूज पीएनएल ओवर हियर, राइट, यही बोलना चाह रहे हैं आप पीएनएल भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप पीएनएल यूज कीजिए। और मैं तो कह रहा हूं ऐसा कीजिए बेटा, आधा पीएनएल यूज कीजिए, आधा जनरल यूज कीजिए, दोनों समझ लीजिए, सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना, नहीं ये बात समझ में, पक्का, कोई डाउट यहां तक? तो बेटे इससे ना आगे की चर्चा हम करेंगे आपके साथ, कब बचे, कोई डाउट तो प्लीज बताइए पहले, पक्का पंडप करें, तो इससे आगे की चर्चा होगी आपके साथ, कब बचे, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, आपको जय भारत बोलना है, आपको क्या बोलना है जी, थैंक यू वेरी मच बेटे, बाय बाय।